नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने हूँ एक नए टॉपिक पर बात करने। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डगमगा गया है, आप कहीं भी, आपको स्टेज फियर है, आपको स्टेज फोबिया है, आपको कहीं भी बोलने के लिए कहा जाता है आप ठीक से बोल नहीं पाते हैं, ऑफिस में आप जाते हैं, नौकरी पर आप जाते हैं, आप सारे के सारे लोग आपका मजाक उड़ाते हैं कि ये ऐसा है, आपकी पर्सनैलिटी का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास की बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है, बिल्कुल भी आपका जो अंदर का सेल्फ इस्टीम है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, स्वाभिमान के आपके अंदर कमी है, आत्मविश्वास आपके अंदर बहुत कम है। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो तो आज आपके लिए है, अगर आप चाहते हैं कि आपका सचमुच आपका आत्मविश्वास बढ़े, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपकी सेल्फ इस्टीम पावर बढ़े, तो इस वीडियो को पूरा देखिए आप दोस्तों। ये एक ऐसा अचूक उपाय है, अगर आप इसको करेंगे दोस्तों तो मैं 100% आपको आपको गारंटी दे रही हूँ कि 2-3 महीने के भीतर भीतर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हर जगह आपकी तारीफ होगी, चाहे आपका घर हो दोस्तों, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, हर जगह आपकी तारीफ होगी। कभी कभी हम देखते हैं कि लोग जो होते हैं घर में रहते हैं, हाउस वाइफ होती हैं, या घर में इस तरीके का माहौल होता है, घर में भी उन्हें ताने पड़ते रहते हैं, तो इंसान अपने आप को अंदर से बहुत ज़्यादा निराश महसूस करता है हर समय कि लोग मुझे कुछ भी बोल कर चले जाते हैं, ना मेरी जॉब है, ना मेरी हेल्थ अच्छी है, और एक तरीके से अंदर से लोग फियर के, एक भय के माहौल में रहते हैं हर समय। तो क्या उसके लिए क्या उपाय है, तो आप इसको पूरा सुने, और ये मैं 100% बता रही हूँ, अगर आप इसको करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आपका बढ़ेगा। तो आपको करना क्या है, ये आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से, यानी संडे से ये आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, संडे से ये आपको स्टार्ट करना है, और ये आपको प्रत्येक रविवार करना है, प्रत्येक रविवार, ये आपको रोज़ नहीं करना, हर संडे संडे ये आपको करना है, ठीक है दोस्तों, और शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से ये आपको स्टार्ट करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, जब सूर्य अस्त, जब सूर्य, माफ़ कीजिएगा, जब सूर्य उदय होता है, जब सूर्य उदय होने के समय आपको सूर्य को जल चढ़ाना है दोस्तों। लोग अक्सर गलती करते हैं, लोग जब भी उठते हैं तब सूर्य को जल चढ़ाते हैं, चाहे कोई 8 बजे उठ रहा हो तो वो 8 बजे सूर्य को जल चढ़ाते हैं, कोई 9 बजे उठ रहा है तो 9 बजे सूर्य को जल चढ़ाते हैं, ऐसे सूर्य को जल चढ़ाने का कोई भी हमें फ़ायदा नहीं होता। हम सोचते रहते हैं हम तो 10 सालों से सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, हमें तो कोई फ़ायदा मिला ही नहीं आज तक, तो कैसे मिलेगा फ़ायदा, है ना। जब सूर्य उदय होता है, उसका जो प्रॉपर टाइम होता है, तभी आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं, उसी का आपको फल मिलता है। तो जब भी आप अपने क्षेत्र के अनुसार, आप अपने शहर के अनुसार देख लें अपने सूर्य उदय का टाइम, सनराइज़ का टाइम क्या है, उस समय आप सूर्य को जल चढ़ाएं, और उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है सूर्य देव से कि हे भगवान, हे सूर्य देव, आपके जो प्रकाश का जो अंश है वो आप थोड़ा सा अंश मुझ में भी देने की आप मुझे कृपा करें, आपकी, आपका जो तेज है, आपका जो सूर्य का प्रकाश है वो आप मुझ में भी देने की, आप उसका थोड़ा सा अंश मुझ में भी दें, मुझ में भी आप उसको देने की कृपा करें। और आपको उसके बाद 108 बार ओम सूर्याय नमः का जाप करना है, वहीं सूर्य की रोशनी के सामने बैठकर, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तभी उसी समय आपको वहीं पर बैठकर, आप कुशा पे बैठ सकते हैं, वहाँ पे बैठकर आपको ओम सूर्याय नमः का सिंपल 108 बार जाप करना है दोस्तों। ये आप करें, और आपको ये हर संडे संडे करना है। और आप जल में जो लाल मिर्च होती है, लाल मिर्च के जो दाने होते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, इससे भी प्रभाव और ज़्यादा पड़ेगा। आप 7 जो हैं दाने आप डालिए लाल मिर्च के, जो लाल मिर्च आती है उसके आप सिंपल दाने डाल दीजिए, और उसके बाद पानी में दाने डालकर आप सूर्य को जल अर्पित करें, और उसके बाद वहीं पर बैठकर आप 108 बार ओम सूर्याय नमः का आप जाप करें, और जो मैंने आपको प्रार्थना बोली है वो उस समय आपको वो प्रार्थना करनी है दोस्तों, क्योंकि प्रार्थना में बहुत बल है। आपका बेशक से उपाय थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन आपकी प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाती। तो प्रार्थना हर चीज़ में, हर उपाय में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी अंदर की क्या भावनाएं हैं उसको व्यक्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप ये करें, आप कम से कम ऐसे 21 रविवार करें, या 11 रविवार करने का आप संकल्प लें, तो आप देखेंगे आप में धीरे धीरे जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो आप ये करें, आपको इसका 100% आपको रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, और आप मुझे कमेंट में बताएं आपको इसके क्या क्या फ़ायदे मिले दोस्तों, और ऐसे ही आप सदैव हंसते रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, और आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।